ओ नो, स्टोरेज फुल। फ्रेंड्स, क्या आपका फोन का भी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है, या फिर आप एक न्यू फोन लाने के लिए सोच रहे हो? देन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन लाना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लाना चाहिए, 64 GB या फिर 120 GB, 6 GB और 8 GB। बेसिकली देखो, मेरा स्टोरी बताता हूँ। जब मुझे न्यू फोन लाने की चाहिए था, मतलब ये रियलमी 7 है अभी मेरे पास, 6 GB एंड 64 GB रैम के साथ, 6 GB रैम के साथ। ओके, सो मैंने सोचा कि देखो, मैं गेमिंग वगैरह बस ज़्यादा नहीं करता हूँ, गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो मुझे सिंपल से 6 GB बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मतलब सारा का सारा काम आराम से हो जाएगा, एडिटिंग वगैरह से लेकर सारा का सारा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरे वीडियो जो स्टोर होने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था। अगर 120 GB होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने 64 GB क्यों लाया? देखो, अगर मैं 120 GB लाता, रोम वाला लाता, तो मुझे इसके लिए 8 GB रैम वाला भी, मतलब 8 GB रैम अगर लाओगे तो 120 GB रैम आपको मिलेगा। तो अगर मैं वो चीज़ लाता तो मेरे लिए 2000 एक्स्ट्रा पड़ जाता। लेकिन वो चीज़ क्यों करने का? क्योंकि आपके फ़ोन में एक चीज़ भी होता है। क्या चीज़ होता है? देखो, आपको पता होगा आपके फ़ोन में स्लिम स्लॉट होता है, स्लिम स्लॉट के पास एक मेमोरी स्लॉट भी होता है। मतलब उस स्लॉट में दो सिम रख सकते हो और एक मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो। तो बेसिकली उसका काम क्या है भाई? उसका काम उसको करने दो ना। तो बेसिकली सिंपल सा आइडिया था कि अगर 64 GB मेरा ख़त्म हो जाता है, तो मैं सिंपल अमेजन और ऑनलाइन से कोई भी एक सिम कार्ड, मतलब मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। सो बेसिकली मेरे पास आज है सैमसंग का ईवो प्लस माइक्रो एसडी कार्ड। सो ये 64 GB का है, तो मोबाइल में मेरा 64 GB था एंड मेरा ये एक्स्ट्रा 64 GB है, दोनों मिलकर मुझे 128 GB मिल गया। सो ये सिंपल सा फंडा था। अगर आप भी लाना चाहते हो आपके लिए फ़ोन, तो आप देख लो कि आपको गेमिंग करना है या फिर नॉर्मल यूज, जैसे ओनली स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप सिंपल सा एक एसडी कार्ड इस तरह से ला सकते हो। तो इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करके आपको अभी बताता हूँ। सैमसंग का ईवो प्लस मेमोरी कार्ड, मतलब एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, जो भी आप बोल सकते हो। इसको मैं फाड़ता हूँ, मतलब इसको निकालता हूँ मैं, तो निकाल के डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, दो चीज़ मेरे पास है, एक है अडाप्टर एंड एक है मेमोरी कार्ड। बेसिकली अडाप्टर का काम क्या है ना, इसमें आप मेमोरी कार्ड डालकर आप इसको अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, या फिर कैमरा में भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप और कैमरा में इस तरह का एक स्लॉट होता है। ओके, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट मोबाइल में डालता हूँ, तो पिन को निकालना है, उसके बाद आपको स्लॉट को थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि आपको ओनली मेमोरी कार्ड डालना है, तो मेमोरी कार्ड पहले होगा। तो यहाँ पर मैं मेमोरी कार्ड डाल देता हूँ, इससे निकाल देता हूँ और यहाँ पर मेमोरी कार्ड को डाल देता हूँ। तो डालने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको डायरेक्ट स्लीप, मतलब उसको डालना है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले फाइल मैनेजर में जाके कि किस तरह से ये काम करता है और कितना फास्ट है। तो देख सकते हो यहाँ पर फोन स्टोरेज दिखा रहा है, जब मैं इसको डालूंगा तो देखना बहुत ही फास्ट ये आपको शो कर देगा कि मेमोरी कार्ड यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। सो अभी से जाकर आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आपका कोई भी स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। ओके, सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो जाओ यार वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो, कमेंट करो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम और भी कमाल का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। सो टिल देन, गुड बाय।